राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी लंपी वायरस की दहशत फैल रही है। प्रदेश के रतलाम जिले की गायों में इसके लक्षण देखे गए हैं। मामला सेमलिया और बरबोदना के आसपास के गांव का है, जहां 12 से ज्यादा गायों में इसके लक्षण देखे गए हैं। गायों के शरीर में छोटी छोटी गांठें होकर घाव बन गए हैं। हालांकि पशु चिकित्सा विभाग ने पॉजिटिव केस की पुष्टि नहीं की है। देखिए रिपोर्ट। लंपी वायरस काफी तेज रफ्तार से पशुओं में फैल रहा है, जिसको देखते हुए पशु चिकित्सा विभाग की ओर से जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। साथ ही ब्लॉक में निगरानी करने के लिए ब्लॉक स्तर पर भी टीम का गठन किया गया है, जिनका मुख्य कार्य पशुओं की सैंपलिंग करना और संदिग्ध पशुओं को आइसोलेट करना है। नहीं, अभी एक ग्राम सेमलिया है और एक नामली गौशाला है, वहाँ पे 2-4-5 ऐसे मिलते जुलते लक्षण वाले केसेस मिले हैं, पर अभी चूंकि हम सैंपलिंग कर रहे हैं, सैंपल को हम भोपाल भेजेंगे। भोपाल से कंफर्मेशन के बाद ही ये पता पड़ेगा कि ये क्या वही बीमारी है, लंपी स्किन डिजीज है क्या, और सिम्टोमेटिक उनका ट्रीटमेंट चालू है और रिकवर भी हो रहा है। इसके लिए हमारी जो जिले में हमने एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम जिला स्तरीय बना दी है, और हर ब्लॉक में हमने रैपिड रिस्पांस टीम बना दी है कर्मचारी अधिकारियों की, वो सतत अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। कैसे फैलता है लंपी वायरस? लंपी संक्रमण का कारण कैप्री पॉक्स वायरस है। संक्रमित मक्खी मच्छर के काटने से फैलता है संक्रमण। शुरुआती एक सप्ताह में लक्षण नहीं दिखते हैं। पशुओं के संपर्क में आने से होता है फैलाव। एक पशु से दूसरे पशु में तेजी से फैलता है संक्रमण। डॉक्टरों की माने तो मक्खी मच्छरों के काटने से पशुओं में लंपी संक्रमण होता है, जिसके बाद लंपी वायरस तेजी से पशुओं को अपनी चपेट में ले लेता है। वहीं लंपी वायरस एक पशु से दूसरे पशु में तेजी से फैलता है, जिसके चलते इसे फैलने से रोकना मुश्किल होता जा रहा है। तो वहीं डॉक्टर पशुपालकों से लगातार पशु की साफ सफाई का विशेष ख्याल करने की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि वो अपनी जो निकटतम संस्था है उसको इन्फॉर्म करे, है ना, तो वो प्रॉपर एक जो ट्रीटमेंट है वो दे सकेंगे। और इसके अलावा सुगंधा वगैरह है, धनिया है और गिलोय है, इस टाइप की जो अपनी आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं ये भी काफ़ी फायदा करती हैं इम्यूनिटी बढ़ाने में, तो ये भी उसको देना शुरू कर सकते हैं। लंपी वायरस इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पशुओं के संक्रमित होने के बाद भी पहले सप्ताह तक पशुओं में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। 8वें-9वें दिन से हल्के लक्षण दिखने शुरू होते हैं, तब तक पशु कमजोर हो चुके होते हैं, जिससे पशुओं पर संक्रमण का प्रभाव दिखने लगता है। साथ ही संक्रमित मवेशी के पूरे शरीर पर गांठें हो जाती है और गांठें फूटने लगती है, जिससे पस का रिसाव होने लगता है। फिर जख्मों पर मक्खी बैठती है और संक्रमित मक्खी तेजी से पशुओं को संक्रमित करती है। लंपी वायरस के क्या क्या है लक्षण? मवेशियों को शुरुआती दिनों में बुखार आना, आंखों और नाक से पानी का रिसाव होना, मवेशियों के मुंह से लार निकलना, पशुओं के शरीर पर नरम छाले पड़ना, पशुओं का खाना पीना कम कर देना, दूध उत्पादन में कमी आना। लंपी वायरस के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने पशुपालकों से पशुओं की आवाजाही कम करने, सार्वजनिक चारागाह ले जाने से परहेज करने की सलाह दी है। कोरोना का विभत्स रूप देखने के बाद लंपी वायरस का तेजी से फैलाव लोगों और खासकर पशुपालकों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इसके बावजूद देखना दिलचस्प होगा कि शासन प्रशासन ने कोरोना महामारी के बाद सिस्टम को किस हद तक अपग्रेड किया है, या यूं कहें कि सामर्थ्यवान बनाया है। रतलाम से राजेश पुरोहित के साथ टीम न्यूज़ 18।